साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपन नए टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं। हालांकि ये टॉपिक वीडियो लगभग मेरे ऊपर भी लागू होता है, आप लोगों के ऊपर भी लागू होता है। कुछ चीज़ें हैं मेरे माइंड में, मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं साथियों, कि दुबई के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, यहाँ के बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया। वो टॉपिक बाय टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप दुबई नहीं, आप कोई भी कंट्री जाते हैं तो किन किन चीज़ों की आपको सावधानी रखनी चाहिए, ताकि आपके साथ चीटिंग नहीं होता। भाई एजेंट इंडिया में भी फ्रॉड नहीं करते, यहाँ पर भी फ्रॉड करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टॉपिक में मैं बाद में बताऊंगा, आज भी मैं आपको ये बात में बता रहा हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर बंद है, आप लोगों को पता ही होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप एजेंट बन जाओगे, ये करोगे वो करोगे, भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है एजेंट बनने में। बहुत सारे वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ, इंटरेस्ट नहीं है मुझे, क्योंकि ये काम मेरे लायक नहीं है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको चल के खुद को जाना पड़ेगा, समझ गए। तो भाई मेरे पास अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सर मुझे जॉब चाहिए, भाई मैं कहाँ से जॉब दे दूं यार, जब मैं इस चीज़ों में पढ़ जाना ही नहीं चाहता, मैं करना ही नहीं चाहता। तो जिनके थ्रू आप जाना चाहते हैं उनके थ्रू आप, दुबई कंट्री अच्छी है, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है, लेकिन एजेंटों से सावधान यहाँ पर भी रहने की ज़रूरत है। अभी एक भाई मेरे से मिल के गए थे, मैंने फ्राइडे का एक वीडियो बनाया था, वो बोल रहे थे कि ऑफिस खोला 3500 दिरहम लेके भग गया, ऐसे भी होते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा ध्यान रखें, विजिट में भी जॉब आसान नहीं होता है यहाँ पे मिलके, डायरेक्ट यहाँ आके आप जॉब को कोशिश कर रहे हो तो इम्पॉसिबल है भैया। इतना खर्चा हो जाता है कि दुबई में आप इंडिया में लाख रुपए, 2-1.5 लाख में एजेंट को देते हो ना, उससे भी यहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मेरा नंबर बंद है, मेन टॉपिक पे यही था, मेरा नंबर बंद है। व्हाट्सअप नंबर मेरा यही है, चालू है, चालू रहेगा। अगर आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए। आप यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे वॉइस कॉलिंग करते हैं, भाई इंडिया से वॉइस कॉलिंग यहाँ या यहाँ से नहीं हो सकती, क्योंकि 2017 से ये बात मुझे यहाँ आने के बाद पता चली कि व्हाट्सअप ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल सब बैन होता है, यहाँ पे बात नहीं कर सकते, बात नहीं हो पाती। तो आप मुझे मैसेज कर दे, वॉइस रिकॉर्ड करके छोड़ दे, जो भी समस्या, वीजा चेक, इमिग्रेशन वगैरह, इमिग्रेशन से रिलेटेड आपको पता है भाई, फीस तो आपको देनी पड़ेगी 500 रुपये। यहाँ दुबई में आप आते हो लाखों रुपये खर्च करके, 500 रुपये देने में मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होती है। दिक्कत होती है तो भाई कोई बात नहीं, आपको दूसरा एजेंट मिल जाएगा, भरे पड़े एजेंटों की कोई कमी नहीं है। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे आप अपनी इंक्वायरी करवा सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग भी हो जाएगी। अभी एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लूंगा तो उससे व्हाट्सअप कॉलिंग हो जाएगी। व्हाट्सअप पे आप बात कर सकते हो मेरे से अगर आपको करनी है तो, बाकी कॉल पे बात नहीं होगी। मेरा नंबर बंद रहने वाला है, अगर इंडिया में रहूंगा तो भी नंबर, भाई ये कोई मतलब नहीं है यार, इतने सारे कॉल्स आते हैं तो मैं तो इन चीज़ों से दुखी हूँ, इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप पे जेन्युइन कॉल आया करेंगे तो मैं व्हाट्सएप पे कॉल अटेंड किया करूंगा, ठीक है साथियों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आज के अगर आपके अभी क्वेश्चन है माइंड में जो भी किसी भी कंट्री से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उनको शॉर्ट लिस्ट करके वीडियो के माध्यम से आंसर दूंगा। तो जितने भी मेरे भाई हैं विदेश से रिलेटेड, कोई भी कंट्री, ये नहीं कि दुबई, कोई भी कंट्री हो, आप नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको कमेंट का शॉर्ट लिस्ट करके मुझे लगेगा कि इस कमेंट का आंसर देना चाहिए वीडियो के माध्यम से दूंगा, ताकि सब लोगों को वही एक आंसर एक लोगों के बजाय हजारों लाखों लोगों के पास पहुंचे, ताकि उनको फायदा मिल सके। तो मैं इंपॉर्टेंट मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, मेरा फोन बंद रहेगा, बंद है। व्हाट्सअप कॉल एक दो दिन में चालू हो जाएगा, मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लूंगा इसमें, तो आप व्हाट्सअप से या फिर बात कर सकते हैं। दूसरा, आपके माइंड में कोई भी कमेंट, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, मेरे से बात नहीं हो पा रही, तो नीचे कमेंट कर दे, मैं आपको आंसर सही तरीके से जो भी होगा सर्चिंग करके आपको दे दूंगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था साथियों, बाकी एक नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।